हेलो जी दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई छोड़ी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल के आ रही है 4 जुलाई की, जो सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में आज पढ़ा भी होगा, विभिन्न टीवी चैनलों पर देखा भी होगा, कल शाम को लगभग 8 बजे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, कहा जाए तो पिकअप भवन में आग लग गई थी। अब इसके सामने क्या पूरी खबर है, भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी कर दिया है जाँच के लिए, पूरी खबर हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें तथा बगल में लगे बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में हो, सबसे पहले आपको राहुल वाई फाई चैनल के माध्यम से जरूर प्राप्त हो। हमें कुछ अगर लाइव तस्वीरें प्राप्त होती हैं UPSSC भवन से, पिकअप भवन से, तो आप तक हम वीडियो के माध्यम से लाने की पूरी कोशिश करेंगे। खैर, अभी जो खबर है उस पर पूरी नज़र देखते हैं क्या खबर है उसके संबंध में। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, पिकअप की आग में भर्ती से जुड़े दस्तावेज राख। अब कितने स्तर तक ये नुकसान हुआ है, अब ये पूरा जायजा जो जाँच आने के बाद पता चलेगा, और वहाँ से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेने के बाद पता चलेगा कि कितनी नुकसान हुआ है, और नई भर्तियों पर, नए एग्जाम जो आपके होने वाले थे उन पर क्या असर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सब कुछ आपका कुछ दिनों के लिए वाइंड अप हो गया काम, तो काम सब बंद हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पूरी खबर यहाँ से अगर खबर ले लिया जाए न्यूज़पेपर के जरिए, तो आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर पुलिस से कैंटीन से हटवाए, 3 घंटे में दमकल आग पर काबू पाए। यानी 11 बजे के आसपास रात में जो है इस पर हाइड्रोलिक लगाकर जो है आग पर काबू पाया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 से 6 मंजिल की ये पूरी पूरी बिल्डिंग है, तो जो पिक्चर में आपको दिख रहा, देख सकते हैं जो धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ है। यहाँ से अगर पूरी खबर हम लोग यहाँ से ले ले देख सकते हैं कि पिकअप बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग चंद मिनट में बुझाई जा सकती है, और वित्त लेखा विभाग की अहम फाइलें भी बच सकती थी। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और दमकल के शीर्ष अधिकारियों की अनुभवहीनता के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया। बहुमंजिला इमारत में आग बुझाने में कारगर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मंगाने का फैसला लेने में अधिकारियों के लगभग 1.5 घंटे का वक्त लगा दिया। इस दौरान दूसरी मंजिल पर लगी आग तीसरे और चौथी माले तक पहुंच चुकी थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती के कई दस्तावेज आग में जल गए हैं। तो ये बुरी खबर है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती से जुड़े कई दस्तावेज रद्द हो गए हैं मित्रों, जो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अब यहाँ से देखते हैं, जैव विविधता बोर्ड पूर्वी के मैनेजर KK तिवारी ने बताया कि तब तक ऑफिस बंद हो चुके थे, कर्मचारी ऑफिस में यहाँ चर्चा कर रहे थे कि अगर दिन के समय आग लगी होती तो कई जानें भी जा सकती हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं कहीं अगर दिन में ये आग लगी होती तो वहाँ पर कई जो है जाने भी जाने की संभावना थी, क्योंकि लगभग सैकड़ों कर्मचारी इस पिकअप भवन में काम करते हैं। लगभग कई विभागों के जो है सरकारी विभागों के यहाँ पर ऑफिसें हैं, SBI बैंक का है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का है, राज्य नियंत्रण बोर्ड का है। तो ऐसे कई विभागों के जो सरकारी विभाग हैं यहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर दिन में आग लगी होती तो कहीं ना कहीं जान के नुकसान तो होती होती। और जो अभी हमें खबर प्राप्त हो रही है यहाँ से देख सकते हैं न्यूज़पेपर के जरिए ही, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 8:01 पर यहाँ पर जो है फायर कंट्रोल को सूचना दी गई। तो लगभग 7:45 के आसपास ही आग लगी थी, और दूसरे तल पे आग लगी थी, और ये आग देखते ही देखते तीसरे से चौथे मंजिले तक पहुंच चुकी थी। अब किस स्तर तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो है फाइलों का नुकसान पहुंचा है, दस्तावेज को नुकसान पहुंचा है, अब उसकी जो है रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसके संबंध में जाँच के आदेश दे दिए हैं, और 48 घंटे के भीतर भीतर इसकी जो है पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। अब देखा जाता है कि आखिरकार क्या रिपोर्ट में आएगा। पूरी खबर मिलते हैं जैसे हम आपके समक्ष राहुल वाई फाई चैनल के माध्यम से लेकर के पुनः एक वीडियो आ जाएंगे मित्रों। अभी हमें जैसे वहाँ से खबर प्राप्त हो रही है तो हम देखते हैं, और अगर कुछ लाइव तस्वीरें हमें प्राप्त हो पाती हैं UPSSC भवन की आज सुबह सुबह, तो आप तक लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और दिखाएंगे आपको कि अभी वहाँ पर देख सकते हैं कि किस स्तर से जो नुकसान हो पाया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दुख भरी खबर है। अब कहीं ना कहीं जो आपकी भर्तियां थी उसमें विलंब होना पूरा पूरा निश्चित है मित्रों। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जैसे भी खबर प्राप्त होता है हम लेकर पुनः वीडियो आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।